क्या क्या है आपके पास? ये सारा लेदर में जितना भी मटेरियल है, कौन सा इसमें लेदर यूज होता है? अच्छा ओके, और क्या क्या बन जाता है इसमें मटेरियल में? आप अंदर खड़े हैं, पता नहीं चलेगा हमारे व्यूअर्स को। ओके विकास सर का है ये, क्या नाम है सर का? रमन्ना सर। ओके ब्यूटीफुल वर्क। एंड मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जितना भी हम स्टोर को बताएंगे सारा का सारा सामान, ये बाद में यहाँ से हुनर हाट से जाने के बाद अगर किसी को खरीदना हो, अच्छा घर चले जाते हैं वापस, ये फिर बाद में भेज सकते हैं आप किसी को अगर जरूरत पड़े तो। अच्छा जब तक एग्जीबिशन है तब तक है आप यहाँ पे। चलिए हम सर से पूछ लेते हैं एक बार, उनको हिंदी आती है? किसको हिंदी अच्छा आता है, आपको कि उनको? ओके ठीक है, तो एक बार सर को पूछ लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? रमन्ना सर। सर आपका जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत डिफरेंट है, तो मुझे बेसिकली बता दीजिए कि एक तो आप कहाँ रहते हैं यहाँ से जाने के बाद? अच्छा ओके, हाँ हाँ अच्छा, तो ये आप वापस आंध्र प्रदेश चले जाएंगे? ठीक है, और ये जितना भी सामान हम देख रहे हैं आपके पास, ये किस चीज में बना हुआ है? पूरा चमड़े का है सब, गोट लेदर का है ये। ओके ठीक है, बहुत कुछ बना देते हैं आप ये गोट लेदर में, और जनरली कहीं देखने को नहीं मिलता ये सब, राइट? हाँ, ये क्या क्या है इसमें? जैसे ये वॉल के लिए है, रामायण का है, महाभारत का भी है। अच्छा, और एनिमल्स है। ठीक है, एक पतली गोट की स्किन होती है उसके ऊपर उसको ट्रीट करने के बाद में, उसके बाद हाथ से पेंट करते हैं इसको। ड्राइंग करते हैं, पेंट करते हैं। कौन पेंट करता है इसको? आप करते हैं? आप हैं यहाँ कर रहे हैं क्या कुछ, या सिर्फ तैयार करके लाए? अच्छा ओके, लाइट आपके पीछे है तो आपका फेस नहीं दिख रहा, आप इधर आ जाइए जरा, मैं दो तीन चीजें आपसे पूछूंगा प्रोडक्ट के बारे में। ये सारे के सारे जितने भी हैं वॉल हैंगिंग से है ना, रामायण हैंग है ना ये सारे। ओके, और ये अब आप दिखाई दे रहे हैं हमको क्लियरली, मुझे बता दीजिए कि अगर ये पीस है वन पीस पूरा, ये रावण का, रावण रावण है ये? ओके रावण है ये हनुमान जी हैं। अच्छा ये गणेश हैं, ओ ब्यूटीफुल, ओ इंद्रजीत जी लक्ष्मण है। अच्छा ये लक्ष्मण जी हैं, ओके अच्छा ठीक है, ओके। अब वो रावण है, हनुमान जी हैं, वापस से भगवान राम है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे वो प्रोडक्ट जो कि दीवार पे लगते हैं, इन सबको दीवार पे टांगा जाता है। क्या इनको फ्रेम करते हैं कि ऐसे ही लगाते हैं? अच्छा अच्छा ओके, ये चिप दीवार से हवा में उड़ते नहीं है फिर? ये हवा में? हाँ ऐसा उड़ता नहीं है हवा में, कुछ दो ग्लास डबल ग्लास में भी ये करता है। अच्छा ओके, नहीं तो ऐसा हैंग ग्लास का पास लगाए तो दोनों तरफ भी दिखता है। अच्छा ये कितना पुराना कल्चर है? ये हमारा चार जनरेशन है। चार जनरेशन से आपके अलावा और लोग भी हैं इस बिजनेस में? ओके, हमारा गांव में 60 फैमिली है काम करने। ओनली 60 फैमिली? अच्छा दूसरा जगह में है। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा, जो ये सारा काम करते हैं बहुत कम मिलता है ये देखने को। मैं इतना घूमा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दिया किधर भी है कहीं भी। अच्छा ओके, तो ये थोड़ा कम बनना कम हो गया है क्या इन चीजों का? पद्मश्री मिला है आपके फादर को? अच्छा, मुझे लगता है ये ज्यादा लोग बनाते भी नहीं है, ये भी अपने आप में खत्म होते एक आर्ट है ना? क्या बात है, तो अच्छा ट्रेनिंग दिया था बच्चों के लिए, अच्छा लगता है। हाँ ठीक बात है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक तो ये हो गया वॉल हैंगिंग, ये सारे किस रेंज में है पूरे? ये 10,000 से ऊपर है सर। 10,000 से सारे ऊपर है? ये पूरा वन पीस में कट वर्क है? अच्छा, और ये हैंड वर्क है पूरा इसके ऊपर, और कलर कौन से यूज करते हैं आप? बैम्बू स्टिक से। अच्छा टाइप करके। अच्छा ये तो हमने कुछ वॉल हैंगिंग्स देख ली जिनके रेंज आपने बता दिए, इसके अलावा आपके पास क्या क्या है? लैंप शेड है, ऐसा का हैंगिंग्स है। ओके, ये लैंप शेड क्या रेंज में मिल जाते हैं सारे? ये 350 से 2000 तक का है। 350 से 2000, ये छोटा भी है हैंगिंग के लिए, ये भी बड़ा खूबसूरत पीस है। इसको कहाँ हैंग करते हैं? वो घर में इधर हाल में लगा सकता है। अच्छा, छोटा छोटा हुआ तो काम में भी लगा सकता है। ये सब स्किन में है, गोट में है ये पूरा का पूरा? ओके, गोट स्किन का बना हुआ है, ठीक है। ये मुझे कुछ का बता दीजिए, ये कितने का है? ये 550। ओके, और ये वाला?
800 All right. इसमें बेस है कि आपको अलग से देना होगा बेस? नहीं, इसका बेस नहीं है, ये फ्लोर लैंप है सर। अच्छा, ये फ्लोर लैंप है और ये स्टैंड चाहिए। स्टैंड लेना पड़ेगा। तो आप स्टैंड नहीं देते? हम स्टैंड नहीं देते, आप केवल शेड देते हैं। और अदरवाइज ये फ्लोर लैंप है, जिनके नीचे लेग्स लगे होते हैं वो लिस्ट है। ये फ्लोर लैंप है, ये लगभग 1.5-2 फुट का है। ये कितने का है? ये वो शेड है सारे। ओके, कुछ है, कुछ एक आप हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में भी बनाते हैं? ठीक है, ये भी फ्लोर लैंप्स हैं। क्या रेंज में है ये वाले? 350 है, 550 है, 800 का है। चलिए एक बार बाहर चल के देख लें एक बार। ओके, पूरा ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। ये कुछ शेड्स हैं, ये हैंगर्स हैं, ये जिनको आप हैंग कर सकते हैं। ओके रमन्ना जी, आप मुझे जरा बता दीजिए ये वाले फ्लोर लैंप क्या रेंज के हैं? बड़े वाले 2000। अच्छा, ये 2000 का है पूरा पीस? ओके, अच्छा ये 2000 के हैं। वो स्क्वायर है ना, 1500। अच्छा अच्छा, वो स्क्वायर वाला का छोटा, इसलिए 1500 का है। छोटा है ना? हाँ हाँ, इसलिए 1500 का है। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग यू डोंट कम अक्रॉस, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड बाय देम, हाथ से बनाते हैं वो लोग। एवरीथिंग इज क्राफ्टेड सो ब्यूटिफुली एंड देन अगेन इट इज प्रिंटेड। इफ यू हैव एनी इंडियन लाइफ स्टाइल और यू हैव एथनिक वे ऑफ लिविंग और मे बी योर इंटीरियर इज वेरी ट्रेडिशनल, देन दीज आर परफेक्टली सूटेबल। एट द सेम टाइम दे हैव फ्यू मोर शेड्स अवेलेबल विद देम, दे आर पेस्टल लाइट शेडेड, वेरी वेरी बी फिटिंग फॉर द कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल। सपोज यू हैव अ वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, देन दीज थिंग्स विल लास्ट वेरी लॉन्ग बिकॉज आर मेड ऑफ लेदर। इसमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट भी है रमन्ना जी आपके पास, है ना? ब्लैक एंड व्हाइट जी, ये भी स्किन में है? हाँ, सारा लेदर है। ओके, सारा लेदर का है ये पूरा का पूरा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने हमें बताया। मुझे दो तीन चीजें और बता दीजिए जाने से पहले, कि एक तो ये कितना दिन चल जाते हैं? ये हमको घर में बल्ब बड़ा नहीं डालना, छोटा डालना तो ज्यादा दिन ये होता है। अच्छा, ज्यादा दिन ये यूज होता है। ये लैंप शेड कितने दिन चल जाएगा? लैंप शेड 10-15 साल तक चलता है। 10-15 साल? ओके, कलर वगैरह इनके सारे ऐसे ही रहते हैं? अच्छा, और ये स्मेल नहीं करते ना किसी भी तरह से? अच्छा, ऑलरेडी ट्रीटेड होते हैं सारे? ओके ठीक है। इसमें क्योंकि स्किन इन्वॉल्व है बेसिकली, तो आपका सोर्स क्या है, स्किन कहाँ से लेते हैं आप? हम मार्केट से लाता है, मार्केट से ला के चुना डाल के ये करता। अच्छा, ये लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कानूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये अलाउड है ना? ओके, ये देखिए ब्यूटीफुल पीसेस, कुछ भी अच्छा लगा। बस एक ही चीज़ है कि यहाँ से आप जब चले जाएंगे तो फिर किसी को खरीदना हो तो आपसे कैसे लेगा? सर, आप चले जाएंगे जब वापस, तो अगर फिर उसके बाद में मुझे ये चाहिए होंगे तो मैं कैसे ले सकता हूँ आपसे? आप मेरा फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देता है उसको, हमको इतना पीस बोला तो हम कुरियर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप कर तो खुद लेके आएंगे? ओके, ज़्यादा पीस रहेगा तो आप लेके आएंगे, तो वाइस कुरियर कर देंगे। एंड दिस इज़ दी वंडरफुल पार्ट, ये मुझे लगा था कि आपके जाने के बाद मिलेगा नहीं। वेल, आपने बात किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू।